अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। अगर जो आप लोगों का बायोमेट्रिक हो गया है, अभी बहुत सारे भाइयों का बायोमेट्रिक हो गया है और आप लोगों को चेक करना है कि मेरा बायोमेट्रिक हुआ है कि नहीं हुआ है, डन हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे आप जाते हैं फिंगरप्रिंट सेंटर पर जहाँ बायोमेट्रिक होता है, वहाँ से आपका डन करके भेज देता है, तो फिर आप लोगों को चेक कैसे करना है कि मेरा बायोमेट्रिक कम्प्लीट हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कहीं आप जाएंगे अहकामा लगवाने के लिए या कोई भी सरकारी काम हो, तो वहाँ पूछेगा ना कि आपका बायोमेट्रिक हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे नहीं भी पूछा तो अपनी तसल्ली के लिए आप चेक कर सकते हैं कि मेरा बायोमेट्रिक हुआ है कि नहीं हुआ। कई कितने सारे भाई लोगों का जो होता है कि अभी बायोमेट्रिक हो गया है लेकिन वो चेक नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे चेक करना है, कि कहाँ से चेक करना है और कैसे चेक होगा कि मेरा बायोमेट्रिक डन हुआ है, कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में मैं एकदम आसानी से आप लोगों को बताया हूँ, इजीली तरीके से। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोगों को इंशाल्लाह बराबर समझ में आएगा, एकदम आसानी समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई आप लोगों को सेल ऐप चालू कर लेना है, ठीक है। सेल ऐप में आने के बाद यहाँ को अपना लॉग इन इसको लॉग खोल लेना है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, बने रहिए वीडियो में। सिंपली है, अगर जो आप लोगों बायोमेट्रिक अगर जो हो गया है तो आप लोगों को उसको चेक कैसे करना है बिल्कुल इजीली तरीके से। और भाई जिन लोगों का चेक नहीं हो रहा है ना, और जो लोग फिंगर करवा के आ गए हैं, आप लोगों में से अगर जो कोई करवा के आ गया है तो भाई उन लोगों को भी चेक कर दो मेरा वीडियो देख यार, और वीडियो उन लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें कि भाई फिंगर होके आ गया है तो उसको चेक कैसे करें, ठीक है। नॉर्मली आपको यहाँ सर्विस वाले एरिए पे क्लिक करना है। पहले देख लीजिए यहाँ ऐसे ऐसे लॉगिन आएगा, नॉर्मली ऐसे इंटरफेस आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल से सेकेंड वाले बारे पर इस पर टैप करना है आपको, जिस पर मैं टैप किया हूँ, ठीक है, जिस पर भी टैप है। उसके बाद आप लोगों को नीचे जाना है, नीचे जाना है, फिर वही आना अपना मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पर, यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे ऐसे आप क्लिक करेंगे ना मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पे, तो यहाँ से खुलेगा, ऐसे ऐसे आप क्लिक करोगे तो ऐसे खुलेगा, ठीक है। उसके बाद सबसे फर्स्ट वाला है जो दिख रहा है ना, सबसे फर्स्ट वाला, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आइए, नीचे आइए, सबसे देखिए एक बार और फिर से बता दे रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, यहाँ से फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाले पे ऐसे, ठीक है, ऐसे खुलेगा। उसके बाद नीचे आना है आपको, यहाँ देखिए सेकेंड नंबर पर है ये, ठीक है, ये सेकेंड नंबर पे आप जब क्लिक करेंगे, एक बार आप दिखा दो सेकेंड नंबर पे, देखिए नीचे से सेकेंड, हाँ ऊपर से सेकेंड नहीं, नीचे से सेकेंड, ये नीचे वाला, ये इस पर आपको टैप करना है। यहाँ पे आप टैप करोगे ना तो इजीली आपको अपना यहाँ सिविल आईडी नंबर डाला है ना, डालना है। मैं अपना डाल के रखा हूँ, पहले मैं अपना आप लोगों को चेक करके दिखा देता हूँ कि मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है। पहले देख लीजिए मेरा जो हो गया है, ठीक है। अगर जो आपका हो गया रहेगा तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ठीक है, और नहीं हुआ रहेगा तो वहाँ कट करके आएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको अपना सिविल आईडी नंबर डाल के आराम से इजीली, उसके बाद जब इस पर मारेंगे ना आप तो आप आसानी से अभी मैं आप लोगों को दोस्तों अपना सिविल आईडी नंबर इस पर डाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आप लोगों को लगा होगा किसी का भी डाल के दिखा दिए, तो मैं अभी अपना सिविल आईडी नंबर यहाँ पर डाल के दिखा रहा हूँ, देखिए। यहाँ पे आप लोगों को सिविल आईडी नंबर डाल लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है ब्लू वाले पे, उसके बाद आपका आ जाएगा कि आपका बायोमेट्रिक हो गया। अगर जो हो गया रहेगा तो इसी तरीके का शो करेगा, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर भी करो भाई उन लोगों के पास जिनका बायोमेट्रिक हो गया और वो चेक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।